राजपूत क्षत्रिय महासभा की केंद्रीय महिला अध्यक्ष वंदना राजपूत की अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय महिला युवती परिचय सम्मेलन समारोह रायपुर में संपन्न हुआ। इसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय अध्यक्ष बजरंग सिंह बेस और अति विशिष्ट अतिथि खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देव आंगन रहे। कार्यक्रम में जोन प्रभारी मीडिया ललित सिंह ठाकुर, केंद्रीय महिला सचिव छाया ठाकुर ने बताया कि महिला सशक्तिकरण और समाज में महिलाओं की भूमिका को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण विषय पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें अतिथियों ने मंच के माध्यम से अपनी बातें रखी। महासभा द्वारा बहुत बढ़िया आयोजन, महिला समितियों के द्वारा बहुत बढ़िया आयोजन। पहली बार छत्तीसगढ़ में मैं देख रहा हूँ कि महिला समाज जो है, किसी भी समाज का महिला विंग जो है, महिलाओं के आर्थिक उन्नति के लिए इस प्रकार के आयोजन करे और विचार विमर्श करे कि सरकार की जो योजनाएं चल रही है वो किस प्रकार से समाज में जो महिलाएं हैं उनके आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए किस प्रकार से उपयोग में लाया जाए। इस दिशा में ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और महिला समिति जो है, केंद्रीय महिला समिति और उप समिति जो है, उनको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आज केंद्रीय महिला मंडल द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय महिला एवं युवती सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से शासन द्वारा जो विभिन्न योजनाएं हैं जिससे हमारी मातृशक्ति सशक्त हो सके उस पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही विवाह की बढ़ती हुई उम्र और जो संबंध विच्छेद की आज के समय में जो बहुत ही भारी समस्या है उस पर भी विचार विमर्श किया गया। विस्तृत आज चूँकि मातृदिवस है इसलिए सभी मातृशक्ति को सादर अभिवादन किया गया। आज आरक्षण के इस युग में जब प्रतिस्पर्धा बहुत कठिन हो गई है, ऐसे में हमारे दो बिटिया कुमारी एकता जो सहायक जेल अधीक्षक के पद पर और कुमारी झंडा नया तहसीलदार के पद पर चयनित हुई है। आज केंद्रीय महिला अध्यक्ष के द्वारा और केंद्रीय महिला की पूरी टीम के द्वारा आज हम लोग यहाँ पर छात्रावास भवन राजपुरा में बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया है, जिसका नाम दिया गया है महिला एवं युवती सम्मेलन। ये जो सम्मेलन था इसमें हम लोग एक पॉइंट रखे थे और ये जो पॉइंट है जो समय के हिसाब से जो पॉइंट आ रहा है हम उसी हिसाब से पॉइंट रखे थे, क्योंकि आज आप देख रहे हैं अगर कोई आर्थिक दृष्टि से मजबूत होता है तो जाहिर सी बात है वो समाज में मजबूत होगा। तो हमने इस पर एक थीम रखा है कि हम अपने समाज की महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से कैसे मजबूत करें। तो आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर स्वयं सहायता समूह के गठन के बारे में बात किए। स्वयं सहायता समूह गठन कैसे किया जाता है, उसका विस्तार कैसे लिया जाता है और इसका शासकीय योजनाओं से कैसे लाभ लिया जाता है, इस सारी चीज की इस योजनाओं पर यहाँ पर विस्तारित ढंग से यहाँ पर चर्चा हुई है। आज केंद्रीय महिला मंडल के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें हमने महिला और युवती, जिसे हम महिला युवती सम्मेलन का नाम दिया है, जिसमें हमने महिलाओं के लिए ऐसी जिसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जानते हैं, इसका गठन करना हमारा मेन उद्देश्य था। जगदलपुर विधान